इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने द्रव्य तरंगों का कला वेग और समूह वेग परिभाषित किया था और यह पाया था कि द्रव्य तरंगों का कला वेग कण के वेग से कहीं अधिक प्राप्त होता है और वह अपेक्षिकता के सिद्धांतों पर भी खरा नहीं उतरता है, और तरंगों के समूह वेग हमें कण के वेग के बिल्कुल बराबर प्राप्त होता है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना में संशोधन किया गया कि कण के साथ एक तरंग नहीं, कण के साथ एक तरंगों का समूह जुड़ा रहता है और उस समूह की कोणीय आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, उसमें जो समूह में तरंगें होती हैं उनकी कोणीय आवृत्ति और तरंग दैर्ध्यों में अंतर बहुत कम होता है। ऐसी तरंगें जब एक साथ मिलती हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती हैं। यह व्यतिकरण प्रतिरूप भी हम पहले देख चुके हैं, इसका इनमें अध्यारोपण होगा और इनका एक व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा। व्यतिकरण प्रतिरूप बनने के बाद जो हमारे पास ये संरचना बन रही है इसे तरंग पैकेट कहा जाता है। तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से तरंग पैकेट का विवेचन आज डिस्कस करेंगे। तरंग पैकेट बनने का विवेचन या अध्यारोपण का सिद्धांत, देखिए दो तरंगे हैं हमारे पास जिनकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा वन और ओमेगा टू, उनके तरंग दैर्ध्य लैम्डा वन और लैम्डा टू है। इन दोनों तरंगों की समीकरण हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा वन टी प्लस के माइनस के वन आर, एक ही दिशा में चल रही हैं, y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टू टी माइनस के टू आर। ओमेगा वन और ओमेगा टू में अंतर या k1 और k2, k1 और k2 भी आप जानते हैं कोणीय तरंग संख्या है जो इनसे रिलेटेड है लैम्डा वन और लैम्डा टू से, इनमें अंतर बहुत कम है। दोनों तरंगों का आयाम हम समान लेते हैं ताकि अध्यारोपण का सिद्धांत आसानी से लगा सके और हम व्यतिकरण प्रतिरूप के बारे में बात कर सकें। दोनों तरंगों का आयाम समान है। इन दोनों तरंगों के लिए जैसा कला वेग हमने पहले परिभाषित किया था ओमेगा वन अपॉन के वन और ओमेगा टू अपॉन के टू अलग अलग, अब हम इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे और परिणामी तरंग के बारे में बात करेंगे। जब परिणामी तरंग हमें प्राप्त होगी तो उसका जो वेग होगा वो समूह वेग के रूप में आएगा। सो अध्यारोपण के सिद्धांत में आप जानते हैं कि अगर एक ही दिशा में या एक बिंदु पर अगर दो तरंगें मिलती हैं तो उनका परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयामों के बीजीय योग के बराबर होता है। वही हम कर रहे हैं y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो ये a साइन ओमेगा वन टी और प्लस ये साइन ओमेगा a माइनस बी और साइन c माइनस डी ये है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं टू कॉस a प्लस सी बाई टू और b प्लस डी बाई टू, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा टू a। ये फॉर्मूला आप देखिए साइन c साइन d का, इसी को हमने यहां पर यूज किया है। तो इट इज टू ए कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू और के वन माइनस के टू बाई टू बाई एक्स, और साइन के साथ फिर ये दोनों टर्म इस तरह से साइन के साथ, तो हमारे पास देखिए सी प्लस डी बाई टू, ये सी ये डी, और कॉस के साथ है सी माइनस डी, ये सी माइनस डी, तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, और अगर बीच में हम माइनस कॉमन ले लें तो के वन माइनस के टू, ये तो कॉस के साथ टर्म आएगी, साइन की जो टर्म आता होगी सी प्लस डी यानी ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, और माइनस कॉमन ले लें तो के वन प्लस के टू दिस वन। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि समूह में जो तरंगें उपस्थित रहती हैं उनकी कोणीय आवृत्ति और तरंग दैर्ध्यों में अंतर बहुत कम होता है। तो हम मान लें कि
इनकी कोणीय आवृत्तियों में अंतर डेल्टा ओमेगा जो बहुत कम है, और दोनों को जब हम योग करके दो से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हमारे पास कोई एक नई कोणीय आवृत्ति हो जाएगी ओमेगा। इसी तरह से K1 माइनस K2 ये डेल्टा के, और K1 प्लस K2 बाई 2 ये लगभग हमारे पास एक तरंग की तरंग दैर्ध्य के बराबर है, दोनों में अंतर बहुत कम है। हम सोडियम का अगर उदाहरण लें, सोडियम प्रकाश की दो तरंग दैर्ध्यों में तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रम और 5896 एंगस्ट्रम होगा, तो उसमें ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ये तो होगा 6 एंगस्ट्रम, और जब आप लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2 करेंगे तो तरंग दैर्ध्य हमारे पास आएगी 5893 एंगस्ट्रम लगभग, जो 5890 के या 5896 के लगभग बराबर है। तो हमने वही किया है यहाँ पर, लगभग बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ तो आ जाएगा डेल्टा ओमेगा, यहाँ डेल्टा के, यहाँ पर ओमेगा टी और यहाँ पर kx। तो कॉस के साथ तो डेल्टा ओमेगा बाई 2, डेल्टा के बाई 2, और साइन के साथ ओमेगा टी माइनस kx। ये प्रदर्शित कर रहा है इसकी तरंग प्रकृति को, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स दिशा में चलने वाली तरंग। तो ये हमारा पूरा इसके लिए आयाम हो जाएगा। तो परिणामी तरंग का आयाम आपके पास आता है 2a cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 टी माइनस डेल्टा के बाई 2 एक्स। हम इसके लिए समूह वेग परिभाषित करें, अगर डेल्टा ओमेगा बाई 2 टी माइनस डेल्टा के बाई 2 एक्स ये कांस्टेंट हो तो आप dx बाई dt लिख सकते हैं इसके लिए। इट इज डेल्टा ओमेगा बाई 2 डेल्टा के बाई 2, सो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के या डी ओमेगा बाई डी के, ये समूह वेग होगा। और कला वेग हमारे पास यहां से आएगा ओमेगा और के रेशो से। तो कला वेग हमारे पास आता है, इसको स्थिरांक लें तो इट इज जीएक्स बाई डी टी सिंपल ओमेगा बाई के या वी बाई न्यू बाई लैम्डा आवर्ती डिवाइडेड बाई तरंग दैर्ध्य। यानी जब तरंगों का समूह हमने परिभाषित किया है तो हमें इसका समूह वेग ही लेना होगा, और आप जानते हैं यह समूह वेग कण के वेग के बराबर आता है। हम इसका एक सॉल्यूशन परिभाषित करें, फोरियर एक्सपेंशन से तरंग दैर्ध्य तरंग फलन का मान, ठीक है, जहां पर एक है हमारे पास इसका आयाम है और एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास इसकी तरंग प्रकृति को प्रदर्शित कर रही है। तो ये तरंग फलन आयाम का मान हमारे पास डेल्टा के लिए जीरो नहीं है, आयाम जीरो क्योंकि तरंग उपस्थित है, व्यतिकरण हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, तो उसके लिए ये डेल्टा एक का मान शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य है, और डेल्टा के हमारे बहुत कम राशि है, ठीक है। तो हम के मान को ले सकते हैं के जीरो या तो प्लस डेल्टा के और के जीरो माइनस डेल्टा के, जैसा हमने सोडियम प्रकाश का उदाहरण हम लेकर चल रहे हैं। डेल्टा के आपका 3 एंगस्ट्रम, तो जब आप 5890 में जोड़ेंगे तो 5893 एंगस्ट्रम आ जाएगा, उसमें प्लस करना पड़ेगा और 5896 में से माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों आइदर इट इज प्लस और इट इज माइनस। हम ओमेगा के को टेलर एक्सपेंशन से एक्सपेंड करें तो ओमेगा इज इक्वल टू सम ओमेगा जीरो के माइनस के जीरो डी ओमेगा बाई डी के एट के इक्वल टू के जीरो, फिर के माइनस के जीरो स्क्वायर एंड हाफ दिस वन। ये डेल्टा के है आप जानते हैं, और डेल्टा के राशि बहुत कम है, तो हम इसकी हायर टर्म्स को छोड़ दें, पहली टर्म दो टर्म हम इसके लिए ले लें,
ओमेगा टी आपके पास हो जाएगा ओमेगा जीरो टी और प्लस डेल्टा के टी डी ओमेगा बाई डी के। इसमें के जीरो एक्स को जोड़ दें और के जीरो एक्स को घटा दें तो हमारे पास तरंग फलन में रखेंगे हम इसको यहां ओमेगा की जगह पर, ओमेगा टी की जगह पर, तो के एक्स फिर ओमेगा में रखें आप के एक्स, तो ये ओमेगा की जगह ये वाली ओमेगा जीरो टी माइनस के जीरो टी प्लस के जीरो एक्स माइनस के जीरो एक्स जोड़ा और घटाया है हमने, और डी ओमेगा बाई डी के हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं टर्म को, तो तरंग फलन हमारे पास इस तरह से आ जाता है। तरंग फलन का एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाता है। यह तरंग फलन का एक्सप्रेशन जो हम पहले निकाल चुके हैं कैलकुलेट कर चुके हैं इसको दो अलग अलग पार्ट में लिखा हुआ है के माइनस के जीरो एक्स माइनस ये के माइनस के जीरो कॉमन निकाल लिया तो यहां पर बचेगा टी और डी ओमेगा वाई डी के। ये वेव फंक्शन आपके पास हम इसको ये टर्म कॉमन निकाल ली ये यहां पर लिखी है इंटीग्रल यही दिस वन तो ये जो वापस एक टर्म आ रही है पहले ये पूरी इसको आप जी एक्स टी लिख सकते हैं ये ग्रीन फंक्शन है तो हम एक तरंग फलन परिभाषित कर रहे हैं यहां पर ये जी एक्स टी ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन्स फंक्शन को जब आप लिखेंगे इसमें ये ग्रीन्स फंक्शन तो ये समीकरण आपकी कन्वर्ट हो जाएगी जी एक्स टी एक्सपोनेंशियल जे के जीरो एक्स माइनस ओमेगा जीरो टी में। ये ग्रीन्स फंक्शन है। ग्रीन्स फंक्शन हमारे को ऐसे तरंगों का एक एनवलप परिभाषित करता है जिसमें आवृत्ति कोणीय आवृत्ति अंतर बहुत कम है और तरंग दैर्ध्य में अंतर भी बहुत कम है यानी हम तरंग फलन को एक ऐसे ग्रीन्स फलन के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं गुणांक के रूप में लिख सकते हैं जिसमें आवृत्ति अंतर बहुत कम होता है यानी तरंग फलन को आप अध्यारोपण के सिद्धांत को अप्लाई करने के बाद तरंग फलन को भी आप बिल्कुल उसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। समतल तरंग जो ये हमारे पास आ रही है जो मूल समतल तरंग है उसका और जी एक्स टी का गुणनफल ये मूल समतल तरंग है तो हम इसको ग्रीन्स फंक्शन क्या होता है ग्रीन्स फंक्शन हमारे पास एक तरंगों के ग्रुप को या व्यतिकरण प्रतिरूप का जो परिणाम हमारे को मिल रहा है जो एनवलप हमने देखा था वहां पर ग्रीन्स फंक्शन उस एनवलप को परिभाषित करता है यानी वो एनवलप उस समतल तरंग के साथ चलता रहेगा। क्योंकि हम पहले परिभाषित कर चुके हैं कि व्यतिकरण प्रतिरूप उसी जगह पर बनता है जहां पर तरंगें
मिलती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप अपने आप आगे प्रवाहित नहीं होगा माध्यम में, तो ये जो तरंग फलन हमारे पास बन रही है उसमें दोनों चीजें हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप का एनवलप भी बन रहा है जिसे हम ग्रीन फंक्शन से परिभाषित कर रहे हैं, और उसको गति प्रदान करने के लिए समतल तरंग भी है जो उस पैकेट को गति प्रदान कर रही है। उस पैकेट का ग्रुप वेलोसिटी, उस पैकेट का समूह वेग आप परिभाषित करते हैं तो डी ओमेगा बाई डी के हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, यह कण के वेग के बराबर होगा। समतल तरंग जो चल रही है उसका वेग भी यही वेग होगा और वो कण के तरंग के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, यानी कण के साथ ये एक एनवलप तरंग ग्रुप का एनवलप और समतल तरंग जुड़ी रहती है जो उस एनवलप को कण के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। थैंक यू। अब हम वेव पैकेट के बारे में बात करेंगे अगली बार।